اندازہ لگاؤ ہے کوئی دنیا میں تو ماں کے علاوہ سنسار میں دستا ایک ہی ہے ماں اور اس کے علاوہ دنیا کے سبھی رشتے سوادتی اور ڈھونڈتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے گرنتھ گواہ ہیں میرے پوروج ودوانوں نے جو گرنتھ لکھے ہیں وہ اس بات کے ساکھی ہیں کہ سنسار میں اگر رشتہ کوئی ہے تو ماں کیوں تاکہ وہ سلطان جیون میں سکھی رہے
बल बल तक भोजन बनाए जाते लेकिन दुखिया के पास में कोई नहीं गया। बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परिषद, चतुर ब्राह्मणों ने दोनों बच्चों का नाम संस्कार दिया। जेठी रानी सुनी के जो बालक पैदा हुआ उसका नाम ध्रुव, और छोटी रानी श्रुति के जो बालक पैदा हुआ उसका नाम उत्तम रख दिया। दोनों बच्चों का पालन पोषण होने लगा। एक वो बच्चा है जो मैया के साथ में धूप में काग उड़ाता है, माँ खेतों पे काम करती है तो लले झोली में डाल लेती है, और एक वो बेटा है जो गोदी गोदी में खिलौना बन के रहता है, माँ के साथ में बलभद्र को भोजन करता है। धीरे धीरे ये दोनों बालक जो है 5 वर्ष के होने जा रहे हैं। एक रोज ध्रुव और उत्तम दोनों गली में खेल रहे थे, श्रुति की नजर पड़ गई, दौड़ती हुई गई अपने बेटा उत्तम के गाल में, उसने तार से तमाचा दिया। कमीना, गांव के बच्चे सभी मर गए, तू जब भंगिन के बच्चे के साथ में खेल रहा है। बिलबिलाता हुआ ध्रुव मैया सुनी की गोदी में जाकर के गिर गया। मां मां, मौसी ने उत्तम भैया को मारा है और ये बोली है कि तू जब भंगिन के बच्चे के साथ में खेलने आया। सुनी कहने लगी, बेटा तुम उत्तम के साथ खेलने मत जाया करो, तेरी किस्मत में भैया का साथ नहीं लिखा है। तो एक रोज रानी सुनी को बहुत तेज बुखार था, ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से मैया की पैर दबा रहा है, सर दबा रहा है। उत्तम ने नीचे से आवाज लगाई, ध्रुव भैया, अरे ध्रुव भैया, भैया नीचे आ जाओ। ध्रुव कहने लगा, भैया मुझे न बोला, अरे मैंने भंगिन की कोख से जन्म लिया है, तूने रानी की कोख से जन्म लिया है। उत्तम दहाड़े मार मार के रोने लगा, कहने लगा, ध्रुव भैया तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है, नीचे आ जाओ। ध्रुव उत्तम के पास में आ गया, एक दूसरे के गले से लग करके रोने लगे। उत्तम कहने लगा, ध्रुव भैया रोने, चलो हम तुम दोनों पिताजी के पास चलेंगे। तो आगे आगे ध्रुव है और पीछे पीछे उत्तम। राजा उत्तान तक अपने को न रोक सका, उसने अपने बड़े बेटा ध्रुव को उठा के अपनी गोदी में बिठा लिया और छोटा बेटा उत्तम बबला के घुटनों के हाथ रख के जमीन पे खड़ा हो गया, लेकिन बाएं के नीच बैठा था। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नीच मौजूद न हो, नीच हर जगह मौजूद हुआ करते हैं। और इनकी पहचान क्या है, we
دوسرے کی مصیبت دیکھے پریشانی دیکھے تو اتنے پرسن ہو دے مانو سنسار کے راجا ہمیں اور جو کاہو کی سنے بڑائی تو سانس لیت جیسے جوڑی اگر کاہو کی پرسنسا سنے تو پھر دیکھو جے کیسے سانس لیت انہیں نہیں پہ تو سانس پڑی وہاں ایک نیچ بیٹھا جا کر کے سنتی کو بتایا مہارانی صاحبہ تیری شوہر کا بچہ تیرے پیا کی گود میں بیٹھا اور تیرا بیٹا زمین پہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے لوگوں ویسے وہ کرے لا کر وہ ادو اور بڑی اور نیند پہ پہنچ گیا کیا ہوا ہے لگا کے رونے لگی تھی
Okay.